वालेकुम आज मैं बात करूँगा प्रोपोर्शंस और पर्सपेक्टिव के बारे में तो आपने अक्सर ड्राइंग में देखा होगा मैंने भी मुझे किसी स्टूडेंट ने अपना असाइनमेंट भेजा था तो उसमें मैं तस्वीर देखी कि गाड़ी से बहुत ज़्यादा बड़ा करैक्टर था तो दुनिया में ऐसा नहीं होता है यानी जैसे किसी ऑब्जेक्ट का रेशो है जो लंबा ज़्यादा है और चौड़ा कम है जैसे बोतल हो गई तो कुछ भी ड्रॉ करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कितनी लंबी है चौड़ी है और उसमें डेप्ट कितनी है ऑब्जेक्ट के प्रोपोर्शन पता करने से ही आपको फर्क पता चलता है कि बॉल और अंडे में फर्क क्या है और हर सब्जेक्ट के प्रोपोर्शन अलग, अलग अलग होते हैं अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप कान बड़े बना देंगे और मुंह बड़ा बना देंगे सर छोटा कर दिया और चीजें आउट ऑफ प्लेस लग रही होंगी जो कि आम बंदा डिटेक्ट नहीं कर पाता लेकिन उसे दिमाग में लग रहा होता है यार कुछ गलत हो रहे हैं यहाँ पे लेकिन इन चीज को अगर हम स्टाइल के तौर पर चेंज करें जैसे आपने कार्टून वगैरह में देखा होगा ये चीज़ें रियलिटी से हटके होती हैं और बंदा सोचता है यार ये इसमें तो थोड़ी गलतियाँ लग रही हैं तो ऑन परप होती है और उन्हें आर्ट स्टाइल कहा जाता है ठीक आर्ट स्टाइल वाले प्रपोर्शन चेंजेस में और नॉर्मली जो हम गलतियों से चेंज करते हैं चीज़ों को उनमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है अक्सर आर्टिस्ट अपने आपको डिफेंड करने के लिए ये बात यूज करते हैं कि ये मेरा आर्ट स्टाइल अलग सा है ये मैंने ड्राइंग की कोई गलती थोड़ी की ये तो मेरा एक स्टाइल है अपना तो ज़ाहिर है सबके स्टाइल अलग अलग होते हैं लेकिन फंडामेंटल मिस्टेक्स में और स्टाइल में फ़र्क काफी ज्यादा होता है एक में चीजों को ऑन परपज अच्छे डिजाइनस के लिए प्रपोशन को हिलाया जाता है और दूसरा लैक ऑफ स्किल्स

फ्लैट पेपर या स्क्रीन पे इस तरीके से ड्रॉ करना कि उसमें गहराई लगे इस तरह असली दुनिया में होता है जो ऑब्जेक्ट दूर है वो छोटा होगा जो करीब होगा वो बड़ा होगा इसमें पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए वो होराइजन लाइन है जो आपने समंदर में देखा होगा कि दूर जाके वक्त आता है कि आसमान और समंदर मिल जाते हैं उस लाइन को कहते हैं होराइजन लाइन जो हर जगह मौजूद होती है उसे हम इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि हम किसी चीज को सामने से देख रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं नीचे से देख रहे हैं सही है एक बार होराइजन लाइन हमने डिसाइड कर ली फिर हम वाले

अपने उन लाइनों को हम एज ए गाइड इस्तेमाल करते हैं थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जैसे घर या खम्बे और उससे हमें ये गाइड मिल जाती है कि शेप को किस तरीके से डिस्टोर्ट है किस तरह वो छोटे होते जाएंगे दूर जाते जाते और वो एक सही रेशो में छोटे होंगे टू पॉइंट परसपेक्टिव में भी हम वही करेंगे जो वन पॉइंट परस्पेक्टिव में किया था बस इस बार हमें दो डॉट डालने होंगे वैनिशिंग पॉइंट के एक लेफ्ट पे और एक राइट right पे ये उन शेप्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो थोड़े रोटेट हुए हों और इस तरह के एंगल्स जो थोड़े साइड वाले होते हैं हॉरिजोंटल लाइन खींच के हम दो वैनिशिंग पॉइंट जब डाल देंगे तो उनमें हर पॉइंट से लाइने खींच के हमें दो गाइड्स बनानी होंगी दोनों की और फिर उन लाइनों को एज अ गाइड इस्तेमाल करेंगे हम अपने थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को थोड़ा रोटेट हुआ दिखाने के लिए थ्री पॉइंट परस्पेक्टिव में थ्री वैनिशिंग पॉइंट होते हैं लेफ्ट और राइट right का तो मैंने बता दिया था तीसरा पॉइंट हमें या ऊपर डालना होगा या नीचे डालना होगा अगर हम उस पॉइंट को ऊपर डालेंगे तो इसका मतलब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं और अगर हम तीसरे पॉइंट को नीचे डालेंगे तो इसका मतलब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो बर्ड आई व्यू कहते हैं ऊपर से देखने को जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसमें देखें मैंने वही तीन पॉइंट डाले लाइंस खींची और उसे एज ए गाइड इस्तेमाल किया ऊपर से नीचे बिल्डिंग को दिखाने के लिए और वार्म आई व्यू में हम इसी चीज़ को उल्टा कर देंगे यानी जो वैनिशिंग पॉइंट है उसे हम ऊपर डालेंगे और उसको जब कोई देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि वो नीचे से ऊपर बिल्डिंग को देख रहा है या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो हम बहुत छोटे हैं और ऊपर की तरफ़ देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है परस्पेक्टिव ड्रा करते वह अक्सर आर्टिस्ट इस बात में लेजी हो जाता है कि कौन गाइडलाइंस पूरी फॉलो करे थोड़ा बहुत फॉलो करके फिर अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं जिससे खिड़की या घर के दरवाजे थोड़े आउट ऑफ प्लेस लग रहे होते हैं वो उस परस्पेक्टिव लाइंस में ठीक नहीं आ रहे होते जिस वजह से कुछ चीज़ें आर्ट में हिली हुई लग रही होती हैं अब बढ़ता हूँ बड़ी हकीकत की तरफ के जितने भी स्टूडियोज हैं वो थ्री डी बैग ही यूज़ कर रहे हैं इवन कई सारे कॉमिक्स थ्री डी बैकग्राउंड का एजर रेफरेंस यूज करते हैं कई सारे आर्टिस्ट थ्री डी बैक ग्राउंड का एजर रेफरस यूज़ करते हैं क्योंकि हम जितनी भी कैलकुलेशन लगा लें ह्यूमन एरर हर चीज़ में होने का चांस होता है तो ये वही बात हो गई कि जब हम मैथ्स के प्रॉब्लम किसी ऐप में सॉल्व कर सकते हैं तो फिर हम कागज में उनको क्यों सॉल्व करें तो जो हैवी जोमेट्री शेप्स होते हैं उनके लिए थ्री डी बैकग्राउंड यूज किया जाता है उनके ऊपर टू डी कुछ पेंटिंग भी कर दी जाती है जिस वजह से और अच्छा लुक आ रहा होता है और यही मैथड यूज़ हो रहा है कॉमनली अब जब से डिजिटली ड्राॅइंग करना शुरू किया है एनिमेशन स्टूडियोज़ ने और ये बात मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ क्योंकि जब से मैंने अपनी टू डी एनिमेशन सीरीज़ बनाना शु... ओफ तो मसला ये शुरू हुआ था कि मैं अलग अलग एंगल से किस तरह थ्री डी बैकग्राउंड बनाऊँ और इतनी मेरे स्किल्स और औकात मुझे नहीं लग रही थी और तभी मैंने थ्री डी बैकग्राउंड सीखना शुरू किया दिल पर पत्थर रखे थ्री डी से मुझे बहुत डर लगता था अभी भी मुझे बेसिक थ्री डी आती है लेकिन इतनी आती है कि बैकग्राउंड में जब थ्री डी गाड़ियाँ या ऑब्जेक्ट्स मुझे एनिमेट करने हो या रखने हो तो मुझे काफी उनमें आसानी होती है जिससे मैं कैरेक्टर को आराम से फ्रेम बाई फ्रेम ड्रा करता हूँ आराम से तो नहीं करता तो बैकग्राउंड में मुझे काफी आसानी हो जाती है क्योंकि वो बस ब्रांडर कर दिया ब्रांडर पर ब्रांडरिंग पे छोड़ दिया और फिर उसे डायरेक्ट उठा के यूज़ कर या अपना थोड़ा सा टच दे दिया उसमें पेंटिंग करके कहने का मकसद यह है कि स्टूडियो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हाथ से ड्रॉ नहीं कर रहे लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम थ्री ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करना बिल्कुल ना सीखे हमें बिल्कुल भी लकीर का फकीर नहीं बनना कि छोटी छोटी चीज के लिए भी हमें रेंडर चाहिए हो एज अ रेफरेंस खासतौर से जब करेक्टर की ड्रॉइंग का वक्त आते कुल परपेक्टिव होते हैं कई सारे अच्छे अच्छे जो दिखने में काफी अच्छे लग रहे होते हैं फोर शॉर्टनिंग वगैरह उन्हें ड्रॉ करने के लिए बेसिक शेप्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास उसके लिए बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस होना काफी जरूरी है नेक्स्ट क्लास में आपको यही बताऊंगा कि बेसिक शेप्स तो किस को किस तरह इस्तेमाल किया जाए कॉम्प्लेक्स चीजों को परस्पेक्टिव में ड्रा करने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको वैनिशिंग पॉइंट बताया था उसको आपको भूलना नहीं है हर वक्त जहन में रखना और अक्सर यही होता है लोगों के जो सर होते हैं हमारे वो वैनिशिंग पॉइंट में होते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं हम दुनिया को इसी नजर से देख रहे होते हैं तो अगर आपको आम लोगों से बहुत ज्यादा लंबा इंसान बनाना है कोई बड़ा सा जिन वेन कुछ भी तो उसे वैनिशिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा ऊंचा बनाना है यानी एक्सेप्शन आप यूज कर सकते हैं कि छोटे बच्चे इस वैनिशिंग पॉइंट के सर पर नहीं होंगे लेकिन जनरली इसी पे आपको सर बनाना है ये जो हॉराइजन लाइन होती है और वहां पे वैनिशिंग पॉइंट भी आपको जहन में रखना कहाँ पे सबसे स्टार्टिंग प्रैक्टिस यही रिकमेंडेड है किसी डब्बे को फ्रंट एंगल से बनाएं फिर उसे हल्का सा राइट पे रोटेट करें फिर उसे हल्का सा और राइट पे रोटेट करें फिर हल्का सा और घुमाएं क्योंकि अगर कोई डब्बो को इस तरह नहीं घुमा सकता तो वो किसी कैरेक्टर के फेस को कैसे घुमाएगा बेसिक शेप्स ही सबसे ज्यादा बेस्ट है अलग अलग परस्पेक्टिव और एंगल से ड्रॉ करना है इनको दोबारा दोबारा मैं यही प्रैक्टिस बता रहा हूँ लेकिन यही काम आती है सबसे ज्यादा इसलिए मैं बार बार यही प्रैक्टिस रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से बेसिक शेप्स से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है जो कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मेन प्रैक्टिस है और इवन वो जितना भी प्रो बन जाए वो ये वाली प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकता उम्मीद है इसके क्लास सबको फायदा हुआ होगा हो मैं उसे ये फ्रॉम फॉर्म क्रिएटिव ग्रीन शुक्रिया